Hello and welcome to all of you. Myself, I'm Sriksh Sinha. Today's topic is how to install JDK and configure in Windows 7. यह सेटअप फाइल है. सेटअप फाइल पर डबल क्लिक करें. पहले इसे रन करने के लिए यहाँ ये पूछा ऑप्शन यस प्रेस करें. देन आफ्टर कुछ टाइम ये लेगा प्रोसेस करने के लिए. यहाँ इस नेक्स्ट बटन पर प्रेस करें. यहाँ इस पाथ को यहाँ ध्यान रखें कि इस पाथ में सी के प्रोग्राम फाइल में आपका ये जावा JDK इंस्टॉल हो रहा है. अगर चेंज करना हो तो आप यहाँ चेंज कर सकते हो. ओके, यहाँ नेक्स्ट पर प्रेस करते भी ये कुछ टाइम लेगा. तक मैं रिकॉर्डिंग को पॉज करता हूँ. यहाँ अगर चेंज करना हो तो आप पाथ चेंज कर सकते हैं. हमें पाथ चेंज करने की जरूरत नहीं है. हम उसी पाथ को इंस्टॉल करना चाहते हैं. ओके, आई एस योर वन टू कैंसिल. हाँ, इसे कैंसिल कर रहा हूँ मैं. यहाँ अपना लोड हो चुका हुआ है. ओके, यहाँ बोला क्लिक सेटअप टू ट्यूटोरियल टू JDK विंडोज की जरूरत नहीं है. यहाँ पर आप इसे क्लोज सिंपली करें. अपना JDK इंस्टॉल हो चुका है. आप इसे देख सकते हैं. यहाँ देखिए जावा मिशन कंट्रोल लिखा हुआ है. अब हमें इसे कॉन्फ़िगर करना है अपने सिस्टम पे. ओके, तो चलिए सबसे पहले देखिए आपका इंस्टॉलेशन हमें क्या करना है. हमने देखा था कि हमारा कौन से सी के किस पाथ पे इंस्टॉल हुआ था. तो वो था सी के प्रोग्राम फाइल्स. तो यहाँ प्रोग्राम फाइल्स x86 में नहीं, प्रोग्राम फाइल में हमने इंस्टॉल किया था. वहाँ देखिए हमें जावा मिल गया. जावा पे क्लिक कर लें. JDK पे क्लिक करें. बिन और बाइनरी फाइल पे क्लिक करें. अब हमें करना क्या है, सिंपली अपने पाथ को कॉपी कर लेना. फर्स्ट ऑफ ऑल जहाँ पे ये इंस्टॉल हुआ है तो इस पर यहाँ क्लिक करें. यहाँ क्लिक करते ही ये पूरा पूरी पाथ सिलेक्ट हो जाएगा. इसे कॉपी कर लें Ctrl+C. अब हमें करना क्या है, सिंपली अपने कंप्यूटर पे यहाँ जो लोगो दिख रहा है इस पर राइट क्लिक करें. इसके प्रॉपर्टी पे जाए. देन आफ्टर एडवांस सिस्टम सेटिंग पे क्लिक करें. यहाँ ये जो है वेरिएबल एनवायरनमेंट वेरिएबल पे क्लिक करें. एनवायरनमेंट वेरिएबल में देखिए हमने यहाँ पहले से पाथ इंस्टॉल किया था, कॉन्फ़िगर किया था. इसे मैं हटा देता हूँ. फिर से कैसे करना है वो मैं बताता हूँ आपको. तो यहाँ पे न्यू पे क्लिक करें. न्यू पे फिर आप वेरिएबल नेम में लिखें पाथ. ओके, और वेरिएबल वैल्यू में जो आपने वहाँ कॉपी किया है, क्या कॉपी किया है. तो ये बिन तक का पाथ जो हमने कॉपी किया है इसे वहाँ बस पेस्ट करना है. यहाँ पे हम इसे पेस्ट कर दें. एक ध्यान देने वाली बात बस ये है कि यहाँ पे हमें क्या करना है, टर्मिनेटर और सेमी कॉलोन लगाना है. ओके, ओके करें. यहाँ ओके, इसे क्लोज करें. टेस्ट करने के लिए हम आते हैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे. CMD हमने प्रेस करा. यहाँ हमें बस कमांड लिखना है. एक जावा कमांड मैं लिखूँगा, वो है कंपाइल करने का. Java C, और कोई जावा का फाइल देता हूँ. बट वो फाइल मैं अभी तक बनाया नहीं, फिर भी मैं टेस्ट करने को लेता हूँ. जैसे सपोज abhi अभी डॉट जावा. ओके, अब मैं इंटर प्रेस करूँगा. अगर मेरा कॉन्फ़िगर सक्सेसफुली हो चुका होगा तो यहाँ नो इंटरनल एंड एक्सटर्नल कमांड का ऐसा कुछ भी मैसेज शो नहीं करेगा. ओके, देखते हैं क्या आता है. इंटर मैंने प्रेस किया. यहाँ बस देखिए दे दिया है जावा
फाइल इज़ नॉट का जो JDK है वो इंस्टॉल हुआ, इस तरीके से हमने इसे कॉन्फ़िगर किया। ओके आई होप आज का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।